गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। एंड आई एम होपिंग कि 25 फरवरी 2021 को नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद जो सेटबैक लगा, आप उससे बाहर निकल आए हैं। निकलना ही है और अपने आप को बोलना है, दिस टाइम आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट, एंड आई विल हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई ओन फ्यूचर। निकलना तो है ही उसमें से, सेटबैक में से। और अब आप शुरू हो गए होंगे पढ़ाई को लेकर, मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप अपना सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाएंगे और अमेंडमेंट्स को लेकर भी आप वेल वर्ड होंगे। तो अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन मेक माई करियर ऐप, हमने ऑलरेडी डालनी शुरू कर दी थी। और जिनको नहीं मालूम तो बता दूं, इन कॉरपोरेशन को लेकर 3 अमेंडमेंट वीडियोज, 45 मिनट्स, 2 आवर्स, 30 मिनट्स आर ऑलरेडी देयर इन द मेक माई करियर ऐप के अंदर, ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाल दी हैं और वहां से देखना शुरू कर दीजिए। और ये जो प्रोसीजर्स हैं, आई होप आपको मालूम है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो टाइप का है। एक वो है जिसमें कंपनी पहले नेम रिजर्वेशन ले लेती है और बाद में कंपनी पार्ट बी फाइल करती है और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन बाद में फाइल करती है विद एजाइल प्रो। और ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी दैट इज देयर इन द वीडियो एंड यू कैन चेक आउट द होल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एज वेल। और नेम रिजर्वेशन के लिए स्पाइस ए का प्रैक्टिकल यूजेज कैसे करना है वो भी बताया हुआ है वीडियो के अंदर। और दो तरीके से यूज करते हैं, जो वहां से लेटर आता है नेम रिजर्वेशन का जिसको बोलते हैं 20 डेज, वो एक्चुअली 21 डेज हो जाता है। नेम रिजर्वेशन वो कैसे है वो भी सब कुछ है लेक्चर्स के अंदर। वेल एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन पार्ट बी में कैसे फाइल होती है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी और वेल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को लेकर वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग देयर, सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर सिंगल शॉट प्रोसेस है तो वो फ्लो चार्ट अलग है, डिफरेंट फ्लो चार्ट है। और वो जो शुरू का पार्ट है वो काफी डिफरेंट हो जाता है व्हेन यू आर वेल इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी वन शॉट। पहले आपने नेम रिजर्वेशन नहीं करवाया और आप डायरेक्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं नेम रिजर्वेशन करवाए बिना, तो उसका फ्लो चार्ट डिफरेंट हो जाता है। इट्स ऑल देयर इन द वीडियो एंड आई होप यू आर अवेयर ऑफ, थोड़ा बहुत आपको वैसे भी मालूम है लेकिन ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझने के लिए वो 5 फॉर्म्स, पहले वेब फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं, फिर उनमें से 4 डाउनलोड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट, वेल डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है, 1 INC 9 ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वेल पीडीएफ फाइल जनरेट होती है, सबको डाउनलोड किया जाता है, सब में डिजिटल सिग्नेचर लगाए जाते हैं और फिर सबको एक साथ अपलोड किया जाता है वेल। और अगर नहीं पता है ना अभी तक तो पता होना चाहिए कि वेब फॉर्म्स से काम नहीं चलेगा वेल, उसके साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड होंगी, फिर डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। कितने लोगों का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा वेल ये भी पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस कि कितने किस फॉर्म पे वेल पार्ट बी ऑफ स्पाइस प्लस पे किसका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, एजाइल प्रो के ऊपर कितने लोगों का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, स्पाइस प्लस मेमोरेंडम और स्पाइस प्लस आर्टिकल में कितने लोगों का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, INC 9 में कितने लोगों का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, सब कुछ अलग अलग है। तो यू शुड बी नोइंग द डिटेल्स ऑफ दिस। और मैं कहूँगा कल को ट्रेनिंग में जाना है तो ट्रेनिंग में भी ये नॉलेज काम आएगी, ऑब्वियसली विल बी यूजफुल। और उसके अलावा इंस्ट्रक्शन किट है, इंस्ट्रक्शन किट विल इज टॉकिंग अबाउट दिस कि आपके कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं फॉर्म के अंदर, तो मैक्सिमम 20 डायरेक्टर्स इन द फॉर्म, 3 विदाउट डिन नंबर एंड 17 विद डिन नंबर। जिनका डिन नंबर नहीं है तो किसका पैन नंबर और किसका पासपोर्ट नंबर देना है, आई होप मालूम है। आपको नहीं पता है तो चेकआउट इन द लेक्चर। और स्पाइस प्लस की रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता ही है, पार्ट ए पार्ट बी किस काम आता है अलग अलग। और उसके अलावा जो नेम रिजर्वेशन में एक्सटेंशन हो गया है अब 24 दिसंबर 2020 को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी डिस्कस कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर अब 2021 तक डेट वाइज कब नेम रिजर्वेशन के लिए नॉर्म्स क्या थे, कब क्या थे और आज की तारीख में प्रेजेंटली नॉर्म्स क्या हैं। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 5 फेसेस, 1 अप्रैल 2014 से लेकर आज 2021 तक प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कब कब क्या क्या इवॉल्व हुआ है, चेंजेस हुए हैं और आज की तारीख में प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, और स्पाइस प्लस वेब फॉर्म के बर्थ के बाद से चीजें कैसे बदल गई हैं, और साथ में वेब फॉर्म एजाइल प्रो में वो OTP जनरेशन होता है ऑन द पर्सनल मोबाइल नंबर ऑफ वन डायरेक्टर एंड हिज ईमेल आईडी, द डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी, नॉट ऑन द पर्सनल ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑफ द पर्सन द प्रैक्टिसिंग CS हु इज मेकिंग द कंपनी, उसके नहीं, डायरेक्टर के उस पर OTP। तो एजाइल प्रो की रिक्वायरमेंट्स हैं। और कौन से केसेस अभी भी ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम और स्पाइस प्लस MOA और स्पाइस प्लस AOA से काम
नहीं चलेगा, तो अभी भी फिजिकल एमओए हुए वो पीडीएफ फाइल चाहिए होगी, डिजिटल सिग्नेचर उस पर लगेंगे या मैनुअल सिग्नेचर होंगे, फिर पीडीएफ फाइल स्कैन होगी, तो वो सारी बातें हैं। और 24 दिसंबर 2020 की अमेंडमेंट्स भी हैं, ऑब्वियसली नेम रिजर्वेशन की एक्सटेंशन को लेकर दे आर देयर अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स। तो मैं कहूँगा कुछ चीजें हो सकता है कभी पास्ट में छूट गई हो, जैसे कुछ लोगों को नहीं मालूम हो सकता है, नहीं मालूम हो कि 15 लाख रुपए तक की ऑथराइज्ड कैपिटल है या नॉमिनल कैपिटल है तो देयर इज जीरो आरओसी रजिस्ट्रेशन फीस, या फिर इफ इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो अप टू 20 मेंबर्स हैं ऐसी कंपनी में तो देयर इज नो आरओसी रजिस्ट्रेशन फीस इन सच कंपनीज, और कौन कौन सी स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी जीरो है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन दोस थ्री वीडियोस। मेक माई करियर ऐप में आइए और उसमें जो कैटेगरी बनी हुई है अमेंडमेंट कैटेगरी, एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस आर अवेलेबल देयर, जस्ट चेक आउट दोस वीडियोस फॉर योर बेनिफिट। और मतलब बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छे से है, एक दो घंटे का पूरा वीडियो है इनकॉर्पोरेशन को लेकर, एक हाफ एन आवर वीडियो है अगर आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ घुसकर नहीं पढ़ा है और आपको नहीं मालूम है कि स्पाइस प्लस पार्ट बी में कितने सब्सक्राइबर्स हैं और स्पाइस एमओए और स्पाइस एओए में मैक्सिमम कितने सब्सक्राइबर्स अलाउड हैं और मिसमैच कहां पर है। अगर आपको मिसमैच वगैरह नहीं मालूम और डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में नहीं मालूम, अपलोड एक साथ कैसे होता है वो भी नहीं मालूम, तो वन शुड बी अवेयर ऑफ। इसके अलावा देयर इज दिस 14 स्टेप्स प्रोसीजर, 14 स्टेप्स का एक प्रोसीजर है यहां पर विच वी आर गोइंग टू अटेन अवर ऐप प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 14 स्टेप्स सो दैट यू आर एबल टू राइट डाउन इन द एग्जाम कि पहले वो नेम रिजर्वेशन करवाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद स्पाइस प्लस पार्ट बी में जाते हैं, वो फिलअप करते हैं, प्री स्क्रूटनी करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद वो फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट बी का पीडीएफ ऑटोमेटिकली सबमिट करते ही जनरेट हो जाता है, एंड देन INC9 डिक्लेरेशन भी ऑटोमेटिकली पीडीएफ जनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद एजाइल प्रो और स्पाइस प्लस एमओए स्पाइस प्लस एओए फिलअप करते हैं, और एजाइल प्रो में भी प्री स्क्रूटनी करते हैं, सबमिट करते हैं तो उसका भी पीडीएफ जनरेट हो जाता है। एमओए एओए में प्री स्क्रूटनी होता ही नहीं है, उसमें चेक फॉर्म होता है, अपलोड करते हैं, अगर नहीं मालूम है तो यू हैव टू चेक आउट द होल वीडियोस, एंड देन वो भी अपलोड करते हैं तो उनका भी सबमिट करते ही पीडीएफ जनरेट हो जाता है, फिर 5 पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, 5 में डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं विच वी वर डिस्कसिंग, फिर उसको डिजिटल सिग्नेचर लगाकर फिर 5 को लिंक्ड फॉर्म्स की तरह अपलोड किया जाता है। और कौन सी कंपनीज हैं जहां पर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होता है, सेक्टोरल रेगुलेटर का वो किस स्टेज पे चाहिए होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर, और फाइनल अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर भी चाहिए होता है, किस स्टेज पे चाहिए होता है और वो कौन से फॉर्म के साथ अटैच होकर जाता है, स्पाइस प्लस पार्ट बी के साथ या एजाइल प्रो के साथ या INC20A के साथ, कौन सा अप्रूवल कहाँ अटैच होकर जाता है और क्यों जाता है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर किस स्टेज पे होता है, वो सारी चीजें विल डिस्कसिंग इन दीज 14 स्टेप्स, एंड दिस फाइल विल बी अवेलेबल, दिस वर्ड फाइल विल बी अवेलेबल इन द ऐप ओवर देयर। तो वहां पहुंचिए और मैं कहूंगा कि बहुत ध्यान से ये प्रोसीजर पढ़िए, मे बी रेलिवेंट फॉर कंपनी लॉ, मे बी रेलिवेंट फॉर SUB, अगर अभी तक बहुत अच्छे से नहीं आता है तो तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा और भी चीजें हैं ऐप में, ऑब्वियसली यू विल हैव टू सर्च अराउंड देयर। और पिछले दिनों में वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स बहुत डिटेल में डाला था, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स इज रेलिवेंट इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑल्सो एंड इट इज रेलिवेंट इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑल्सो, तो उसमें भी कुछ और एड ऑन वीडियोज देने वाला हूँ आपको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स में, सो स्टे कनेक्टेड। और अब लाइन लगाकर बहुत सारे अमेंडमेंट वीडियोज एड ऑन ऐप के अंदर आने वाले हैं, तो देखते जाइए एक के बाद एक, और उसमें जो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं वो फेयर करते जाइए अपने लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच, जय माता दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2021 एग्जाम्स, और करना है इस बार, करना है और अच्छे से करना है, दिल लगाकर करना है, मन मार के नहीं करना है, और पूरे जोश के साथ करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।